सर्वोदय ग्रुप की नई सौगात सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़ AICTE न्यू दिल्ली से अप्रूव और BTE उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड आजमगढ़ शहर का एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित ट्रेड मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग वेल फर्निश्ड क्लासरूम अत्याधुनिक लैब वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ हॉस्टल फैसिलिटी लाइब्रेरी वाईफाई कैंपस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड जॉब प्लेसमेंट सीटें सीमित हैं एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। आजमगढ़ में भारी संख्या में पीड़ित छात्र छात्राओं ने शहर कोतवाली पहुंचकर SP के सामने हंगामा कर कंप्यूटर एजुकेशन व कैरियर बनाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। पीड़ितों का आरोप था कि लखनऊ की स्मार्ट वैल्यू नाम की कंपनी की आजमगढ़ शहर में बवाली मोड़ के पास स्थित ब्रांच में 17,750 प्रत्येक के हिसाब से लिया गया था। झांसा दिया गया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन नेटवर्किंग का काम सिखाकर जॉब दिलवाएंगे। एजुकेशन व काम के बाद तुरंत हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर सैलरी भी शुरू हो जाएगी। इनवाइटी नाम देकर छात्र छात्राओं को अपने साथ अन्य को जोड़ने का दबाव डाला जाता था। कहा जाता था कि महीने में 10,000 रुपये तक आमदनी करने के साथ पढ़ाई भी करेंगे। पैसा न होने पर गहने व अन्य कीमती सामान को गिरवी रखने व फिर छुड़ाने की बात करते थे। खास बात यह थी कि इसमें कमजोर तबके को निशाना बनाया जाता था और उनको जल्द अच्छी कमाई का सपना दिखाया जाता था। शोषण से परेशान बच्चों का कहना है कि अब वह इस कंपनी के साथ नहीं सीखना चाहते, उनका पैसा अविलंब लौटाया जाए। बच्चों का यह भी आरोप था कि कंपनी ने 8 से 10 लाख रुपया इकट्ठा किया है। इस मामले में SP त्रिवेणी सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है जो एजुकेशन के नाम पर काम कर रही है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो कंप्लेंट आई थी उसकी प्रारंभिक जांच की गई, उसमें पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है जो बैकग्राउंड में बताती है कि हम स्कूल कंप्यूटर का कोर्स कराएंगे, लेकिन वो बाइनरी सिस्टम लागू करके कि 2 को बनाओ तुमको इतना इंसेंटिव मिलेगा, 3 को बनाओ तो तुमको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इस तरह के काम कर रही थी। मैंने इसमें मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। अब इसमें आगे अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। पैसा कमाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे युवा ठगी के रास्ते पर चल रहे हैं। आजमगढ़ की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो लोगों को सोने की गुल्ली के नाम पर नकली सोना बेचा करता था। इस पूरे ठगी के मामले में एक बड़ा गैंग सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि मऊ का गैंग है जो कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। वहीं जनपद आजमगढ़ के मेनका थाना क्षेत्र के रहने वाली ठगी की शिकार हुई महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी मऊ जनपद के ग्राम भीटी का निवासी कन्हैया वर्मा है। SP ने बताया कि यह गैंग सीधी साधी महिलाओं को शिकार बनाता था। जो महिलाएं बैंक से रुपया निकाल कर जाती थीं, उनसे मजबूरी बताकर उनको ठग लेते थे। पकड़े गए ठग ने बताया कि उसको एक ठगी में 700 रुपये मिलते थे। देखिए, थाना में नगर में मार्च में 2 ऐसी घटनाएं हुई थी
जिसमें लेडीज बैंक से पैसा निकाल के जा रही थी। एक लेडी 20,000 रुपये निकाल के जा रही थी और एक लेडी 23,000 रुपये निकाल के जा रही थी। दो अलग अलग घटना दिन की घटनाएं हैं। तो ये बीच में ही मिलते हैं और बीच में मिलने के बाद एक सोने की गुल्ली दिखाते हैं, कहते हैं कि इसकी कीमत 1.5 लाख रुपया है, लेकिन हमको इमरजेंसी है, हमको तुरंत ज़रूरत है, इसलिए आप ये 30,000 रुपया दे दो और ये ले लो, बाद में आप बेच करके वो चले जाना। वो लेडीज़ गुमराह हो गए हैं, उनसे पैसा लेके चले गए। बाद में पता चलता है कि ये सोना नहीं है, सोने जैसा दिख रहा है। चेक कराने के बाद पता चलता है कि ये फर्जी गोल्ड है। इस तरह का गैंग पूरे उत्तर प्रदेश में काम करता है और ये पकड़े भी जाते हैं ऐसे लोग। ये गिरफ्तार हुआ है, इसके गैंग के कुछ और लोगों के नाम आए हैं जो मुख्यतः मऊ के रहने वाले हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ जो हमारे यहाँ जो घटनाएं लिखी गई हैं वो मेह नगर की ही दोनों मार्च महीने की घटनाएं हैं, अलग अलग दिनों में। सर हम आज दो बार हम आए हुए हैं। पहली बार पकड़े गए हो? जी। क्या करते हो, कैसे क्या करते हो? सर हम नहीं, वही सब बुढ़वा सब करता है, हम कुछ करते नहीं है, बस साथ में वो हमको रखता है। क्या करते हो? वो सब वही सब पीतल का देकर पैसा लेते हैं। क्या बताते हैं, कैसे क्या करते हैं? नहीं सर, वही सब बतियाते हैं, बस पैसा देते हैं और वो ले लेते हैं सर। कितना फायदा हो जाता है सर हमको? बस 500 रुपया रोज बुलाते हैं और देते हैं, बस हमको दो बार बुलाए थे। क्या देते, क्या लेते हैं? वही सब पीतल का कोई था वो सामान, वही देते हैं सर। क्या बताते हैं उसको? वो सब क्या बताते, वो सब कहते हैं कि असली है, ले लो। पूर्व विदेश मंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने का दौर लगातार जारी है। गुरुवार को भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा ने शहर के चौक क्षेत्र में शोक सभा का आयोजन कर महिला सशक्तिकरण की प्रखर आवाज रही सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने कहा कि सुषमा जी एक कद्दावर महिला नेत्री रहीं, विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। उनका राजनीतिक जीवन इतना उच्च कोटि का है कि वर्णन करना मुश्किल है। सुषमा जी ने मूक बधिर लड़की गीता को छुड़ाया तो वहीं विदेशों में मुसीबत में घिरे सैकड़ों भारतीयों को नया जीवन दिया। वीरांगना शाखा की सभी बहनों ने हमारी श्रद्धे सुषमा स्वराज जी का श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये हम नारी शक्ति के लिए या पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है और आज इस अपूर्णीय क्षति का जो है पूरा देश शोक मना रहा है। और सुषमा जी ऐसी थीं जो कि हम ही नहीं, वो तो भाजपा की कद्दावर नेता प्रखर प्रवक्ता थी, उसके साथ साथ विपक्ष भी उनका शोक मना रहा है। आज यहाँ पे वीरांगना शाखा की तरफ से सारी बहनें यहाँ पे श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी की शोक सभा में सम्मिलित हुई हैं और ये कहना चाहेंगे हम कि सुषमा स्वराज जी हम लोगों के लिए बहुत ही आदरणीय महिला थी और इस देश के लिए, राजनीति के लिए बहुत ही बड़ी क्षति हुई है जिसके लिए कि कोई पूरा नहीं कर सकता इसको और शायद ही ऐसी कोई महिला आए। और ये महिला ऐसी थी कि ये देश में तो रहते हुए विदेशों में भी इनकी इतनी ज़्यादा क्रेज थी कि ये वहाँ पे रहने वालों के लिए भी हर समय मदद के लिए तैयार रहती थी और अपने देश के लिए तो मैं मतलब जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए कम है। मैं सिर्फ दो लाइन इनके लिए बोलना चाहूँगी। अब ये कौन सो गया, एक मुखर अब मौन हो गया, थोड़ा तो और वक्त दिया होता, 370 भी जिया होता। श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी को मेरे तरफ से सत सत नमन, पूरी वीरांगना टीम के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम सब। मैं आदरणीय सुषमा स्वराज जी को नमन करती हूँ क्योंकि वो महिला थी और उन्होंने महिला के उत्थानों के लिए बहुत कुछ किया समाज में, इसलिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ। और उनकी बाणी में बहुत ओज था जब संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और एक वोट से गिर गई थी, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। उसी समय से ये हमारे देश में इंदिरा गांधी के बाद एक ऐसी महिला मिली जो बहुत कदावर थी और उसकी बाणी में ओज था। उनका संस्कृत पे, हिंदी पे, इंग्लिश में सभी चीज़ पर बहुत अच्छा कमांड था। जैसे जब ये विदेश मंत्री रहीं तो इन्होंने हमारे देश का बड़ा मान सम्मान बढ़ाया। विदेश में कोई भी आदमी इनके पास दूतावास का, विदेश के दूतावास से उनको सूचना देता था कि मैं इस प्रॉब्लम हूँ,
ये बहुत तुरंत सक्रिय हो के ये उसका साथ देती थी। वीरांगना टीम की तरफ से सुषमा जी को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सुषमा जी महान नेता तो थे ही और एक ओजस्वी और तेजवान एक शक्ति के रूप में थी, जो हमारे भारत के देश के लिए एक मिसाल उन्होंने कायम किया। जब वो विदेश मंत्री थी, यमन में 4,500 हिंदू वहाँ फंसे हुए थे, उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री से बात की। वो लोग बोले कि 2 घंटे के लिए मैं गोलीबारी रुकवा सकता हूँ और 2 घंटे के उस 2 घंटे में अगर आप अपने देशवासियों को यहाँ से निकलवा सकती हैं तो आप यहाँ से निकलवा दीजिए। 2 घंटे में वहाँ से उन आदमियों देशवासियों को निकलवा के लाई, और साथ में एक पाकिस्तान में एक लड़की मूक बधिर गीता नाम की जो बच्ची वहाँ पे थी, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। इन्होंने विदेश मंत्री के रहने के समय उन्होंने उस लड़की को वहाँ से छुड़वाई और उसे हिंदुस्तान की बेटी का नाम दिया। उन्हें बहुत शौक था कि मैं उस लड़की का कन्यादान दूँ, लेकिन मौत तो एक दिन आनी और जानी ही है, मौत से कोई बच नहीं पाता है, और सुषमा जी के साथ यही हुआ। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैं उनके कितने गुणगान करूँ, कितने क्या कहूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी कि जो हमारे देश के लिए वो बहुत कुछ की हैं। मैं वीरांगना ग्रुप से बोल रही हूँ, आज सुषमा जी को नमन करने आई हूँ श्रद्धांजलि देने। बहुत बोल्ड लेडी थी वो, पॉलिटिक्सियन बहुत बोल्ड थी। उनके लिए कुछ एक चार शब्द मैं बोल रही हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी थी, कुछ पल और ठहर जाती, राम लला के मंदिर जाकर विजय पताका लहराती, सींचा था जिस बीजेपी को तुमने, वह कमल तन में खड़ा है, मंजिल अब दूर नहीं, न मार्ग के लिए कोई रोड़ा है। बहुत बोल्ड लेडी थी वो, अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने देश के लिए भी, और वो ना मंत्री रहने पे भी देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करती थी। आदरणीय सुषमा स्वराज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनका जाना तो खैर पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है ये, जिसको कि हम भरपाई तो कभी नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता है, और वो इतनी शानदार शख्सियत थीं और इतनी ओजस्वी महिला वो थीं, मतलब हम सारी महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को वो सामंजस्य बैठा के चलती थी। और मुझे लगता है कि अगर सारी महिलाएं थोड़ा थोड़ा गुड़ अगर उनका अपने अंदर आत्मसात करें, तो यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि के प्रति होगी। आजमगढ़ में छेड़खानी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान चलाया है। अभियान के तहत पुलिस ने 21 मंचलों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसे सीज कर दिया गया। बता दें कि जुलाई माह भर में महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक अभियान चलाने के बाद भी मंचलों का आतंक स्कूलों व कोचिंग सेंटरों के बाहर खत्म नहीं हुआ था। छात्राओं के साथ छेड़खानी को लेकर ABC चैनल ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसका असर हुआ है। जिले में पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में एंटी रोमियो अभियान चलाया गया। सीओ सिटी इला मारन ने सुबह विभिन्न स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के सामने छापेमारी की। अभियान के तहत कल देर शाम को भी अभियान चलाया गया था। अब तक पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसे सीज कर दिया गया। बढ़ती छिड़काने की घटनाओं पर विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की थी। शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के बाहर यह अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सीओ सिटी इला मारन ने बताया कि अभियान लगातार चलता रहेगा। देखिए, कल पुलिस से एक सूचना मिली थी, यहाँ शहर में इम्पोर्टेंट विद्यालयों में और कोचिंग सेंटर में छेड़खाने के बारे में कुछ सूचना आई थी। इस आदेश पर कप्तान साहब ने एक टीम बना दिया, इसमें मैं हूँ, और सुबह से अभियान चल रहे हैं। सुबह 3-4 स्कूलों में अभियान चला था, और शाम को भी कुछ कोचिंग सेंटर में हम लोग चेकिंग किया। ये चेकिंग के द्वारा हम लोग 21 गिरफ्तारी किया, 4
गाड़ियों का सीज भी किया है। कितनी कार्रवाई हुई है इसमें? 21 गिरफ्तारी हुआ है टोटल, 5 गाड़ियों का बरामद भी हुआ है। अभी पूछताछ चल रही है, इसमें सुबह 5 लड़के पकड़ गई, इसमें सबके खिलाफ कार्रवाई हुआ है, मुकदमा भी लिखा हुआ है ITC 294 में, बाकी लड़कों के खिलाफ अभी कार्रवाई चलेगा। तो ऐसे ये चलता रहेगा अभियान? ये देखिए, ये एंटी रोमियो यूपी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा स्कीम है। इसमें अगर कुछ ऐसा कुछ सूचना है और कुछ महिलाओं का ऐसा कुछ बात है, छिड़काने की कुछ बात है, तुरंत फ़ोन कर सकते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड के फ़ोन कर सकते हैं, महिला थाने के फ़ोन कर सकते हैं, और मैं सी ओ सिटी हूँ, मेरा नंबर भी तुरंत फ़ोन कर सकते हैं, 10 मिनट में पुलिस पहुँचाएँगे। ये आजमगढ़ पुलिस का पहला प्रायोरिटी महिला सुरक्षा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अभियान चलता रहेगा? ये जरूर लगातार चलाता रहेगा। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मूसीपुर के प्रधानाचार्य पर बच्चों के शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगा है। गुरुवार को सिलाई थाना क्षेत्र के ग्राम संवेदा निवासी संजय दुबे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य जाति द्वेषवश उनके बच्चे कक्षा 6 के छात्र 12 वर्षीय अंश दुबे को लगातार प्रताड़ित करते रहे और उसे फेल कर दिया। इसके बाद विद्यालय से निष्कासित कर दिया। मांग किया कि जांच कराकर प्रधानाचार्य पर कार्रवाई किया जाए। ये बच्चे का मामला है, हमारे बच्चे के साथ उत्पीड़न हुआ है। राजकीय आश्रम पद्धति से है, मूसेपुर में विद्यालय आश्रम है, वो वहाँ पे बच्चा रहता है, आश्रित रहता है, अंश दुबे नाम है उसका, 6 क्लास में। समस्या उसका उत्पीड़न हुआ है, जैसे उसको बुला करके आश्रम से अपने क्वार्टर पे जो है वो खाना मंगवा के खाता था, प्रिंसिपल, और जो है उससे पैर हाथ दबवाता था, बिस्तर लगवाता था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो बोला कि हम तुम्हें पास कर देंगे, हमारा काम करते रहो, हम तुम्हें पास कर देंगे और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें पास कर देंगे। जब वो फेल हो गया तो उसको निकाल करके स्कूल से बाहर कर दिया, 8 बजे रात को रिटर्न घर पर भिजवा दिया। जब हम पहुँचे उसको फिर रिटर्न करवाने के लिए, तो वो जो हमसे बहुत सलूकी से बात किया, हमारे साथ हमारी मैडम भी थी, परिवार फैमिली था अभी, तो बेइज्जत किया काफ़ी लफ्ज़ों से। उसमें न्याय चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, न्याय हो। अब जो बच्चे वहाँ डरे हैं वो तो नहीं बोल सकते उनके सामने, लेकिन जो बच्चे डरे नहीं हैं वो बोल रहे हैं, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। डीएम साहब के यहाँ हम लोग गए हैं, आश्वासन मिलने, जांच के आश्वासन दिए हैं। हम लोग न्याय चाहते हैं।